चंद्रपुर जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है और वही गोंडपिपरी में पक्षी मित्रों ने इस उष्णता भरे मौसम में पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की। चंद्रपुर जिले का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहीं गोंडपिपरी में भी उष्णता लगातार बढ़ रही है, जिससे नागरिक त्रस्त हैं। वहीं इस बढ़ते तापमान से मनुष्य के साथ पक्षियों पर भी इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है और पानी के लिए पक्षियों को दूर दूर भटकना पड़ रहा है। पक्षियों को पीने के पानी के लिए भटकने से रोकने के लिए पक्षी मित्रों ने जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय तारसाभुज के परिसर में पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की है। दिन ब दिन जंगल का क्षेत्र कम होते जा रहा है और चारों तरफ कॉन्क्रीट का जंगल बढ़ते दिखाई दे रहा है। शायद यही कारण है कि सुबह होने पर चिड़ियों या विविध प्रकार के पक्षियों की आवाज भी अब पहले की अपेक्षा कम सुनाई दे रही है। ऐसे में इस तपते हुए उमस भरे वातावरण में हर वर्ष पक्षियों पर संकट आ रहे हैं, जिसके कारण अनेक पक्षियों की मौत हो रही है। इसके लिए गोंडपिपरी तहसील के तारसाभुज के नितेश बोरकुटे एवं विद्यालय के मुख्याध्यापक दिनेश देवालकर के प्रयास से विद्यालय के परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था पक्षियों के लिए की गई है। इस दौरान जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के मुख्याध्यापक दिनेश देवाड़कर के साथ निकेश बोरकुटे, साथ में तारसाभुज गांव के किशोर अलोने, सुरेश बट्टे, प्रफुल मिलमिले, तुलसीराम मडावी, अरिंद भावने आदि की उपस्थिति थी। सीटी न्यूज के लिए गोंडपिपरी से हमारे संवाददाता नितेश डोंगरी की रिपोर्ट। आम्ही आज पक्षी घागरी बांधलेले आहेत आणि यात नियमित पाणी टाकण्याची व्यवस्था सुद्धा केलेली आहे आणि या संपूर्ण घागरी टाकाऊ वस्तूपासून तयार केलेल्या आहेत।